One of India's favorite ingredients, aloo, is perfect to be fried, added spices to, and made into a lip-smacking, tangy chaat that very few can resist. This is the right kind of crispy and the right kind of addictive. Yeah? Very addictive. मुझे पता है क्या चीज अच्छी लगी? क्या? आपने हाथों का इस्तेमाल किया, हिंदुस्तानी लड़की की तरह हाथों से खाना खाया. देखिए जो बात जो है हाथों से है वो टूथपिक से नहीं आती. घर पे चाट खाएंगे, हाथ लगाएंगे. Ranjit, can you make aloo chaat that tastes exactly like this at home? Yes, of course, and we can make it with 1/20th the amount of oil. 1/20th the amount of oil. अच्छा था, मैंने बोला था ना कि 1/20th oil में एक नए वर्जन ऑफ आलू चाट से आपका तारुफ होगा. हाँ. हम बनाने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग चाट पोटेटो वेजेस. So let's cut the potatoes into wedges. अब एक बोल देना अक्षता और इसमें हम डालते हैं potatoes और साथ में हम डालते हैं चाट मसाला with this interesting sprinkler water. अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अरारोट या कॉर्नस्टार्च. कॉर्नस्टार्च क्या करता है कि कॉर्नस्टार्च अच्छे से मसालों को चिपका देता है आलू पे एंड द स्पाइसेस विल रिटेन वेल ऑन टॉप ऑफ द पोटैटोस. नाउ वी पुट सम चॉप्ड कोरिएंडर, बारीक कटा हुआ धनिया. जब हम बात करते हैं आलूओं की, ट्यूबर्स की, तो केरला में आजकल काप्पा या यैम बहुत खाया जाता है और वो यैम एक्चुअली इंट्रोड्यूस तब हुआ जब देयर वाज अ बिग फैमिन इन केरला इन 1880. सो पोटैटोस एसेंशियली वर मेंट टू सब्स्टिट्यूट राइस बट देन इन इंडिया वी ओन्ड देम. और अब रेडी एंड प्रीहीटेड इसमें हम अपने पोटैटो वेजेस डाल देते हैं. तो अक्षता, द चाट स्पाइस्ड पोटैटो वेजेस सुनने में कितना अच्छा लगता है? नहीं, देयर ऑलमोस्ट डन. उसके लिए अकम्पनीमेंट के लिए हम थोड़ा नींबू काटते हैं. अब चाट है तो नींबू तो होनी चाहिए भाई. नींबू, हरी मिर्च, धनिया के बगैर कभी चाट होती है? नहीं होती. 3, 2, 1. दिस कड़ी एक्ट्स एज अ डिप. जैसे फ्रेंच फ्राइज के साथ डिप होती है, पोटैटो वेजेस के साथ डिप होती है, ये कड़ी भी एक डिप की तरह एक्ट करती है. ये डिश और इसका ट्विस्ट जो है वो इंटरेस्टिंग तो है लेकिन मात्र एक ट्रिब्यूट है टू द लेगेसी ऑफ चाट इन इंडिया.